थोड़ा सा सीरियस मैटर पे, अभी सीरियस मैटर फिलहाल के लिए ये रहने वाला है कि आप सबको पता है अभी क्या अपडेट है। मीटिंग वगैरह हो चुकी है बीजीएमआई की सरकार के साथ, एंड दो चीज़ें हुई है। पहली चीज़ तो ये हुई है कि गेम को टेक डाउन कर दिया गया है, ठीक है। एंड उस टेक डाउन प्रोसेस में ऑब्वियसली पहले सरकार का उसमें एक ऑर्डर था जिसको 69 एक्ट की वजह से टेक डाउन कर दिया गया है। एंड बैन वर्ड भी आप यूज कर सकते हो हाल फिलहाल में अब, क्योंकि ऑफिशियली वर्ड आजकल ऑफिशियल स्टेटमेंट से यही निकल के आ रहा है, ठीक है। ऑल्दो गेम अभी तक बैन हुआ नहीं है, अभी भी सर्वर चल रहे हैं, बट सर्वर आजकल थोड़े से लैगी बहुत चल रहे हैं, ठीक है, बहुत लैगी चल रहे हैं। ओके, सो सीन ये है, अभी फिलहाल उनको 14 डेज का टाइम दिया गया है, आई थिंक 13-14 डेज का टाइम दिया गया है क्राफ्टन की टीम को, कि वो लोग स्पेसिफिकली बता सके कि ऐसा क्या है गेम में कि वो बैन ना करें। क्योंकि बैन करने के जो रीजन्स है वो ये है कि एक तो पूरा रेप्लिका बना रखा है पबजी मोबाइल का, ये प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि भाई प्रॉपर आपका जो गेम है वो पूरा रेप्लिका है, ठीक है। जो आपके अपडेट्स पबजी मोबाइल में आते हैं वही अपडेट्स आपके इस गेम में आते हैं, पूरा A to Z आपने यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रखा है, A to Z पूरा कॉपी है, बस आपने नाम चेंज कर दिया है, बाकी एज सच पूरा का पूरा कॉपी है। ऑल दो एक दो चीज़ें शायद हटा दे तो देखा जाए, जैसे वो फिनिश किल वो सब हटा दो, फिर अपना किल इफेक्ट जो होता है जिसमें रेड एंड ग्रीन वो हटा दो आप, तो ये सब ये दो तीन चीज़ें अगर हटा दो तो बाकी पूरा का पूरा गेम ही कॉपी है, राइट। सो ये एक सीन है। दूसरा मेरे ख्याल से अगेन उनका 69 एक्ट जो है वो एक सीन है। अब 14 डेज को अगर अगर देखा जाए तो आज से 14-15 दिन बाद आता है आपका 15 अगस्त, ठीक है। अब 15 अगस्त के दिन हो सकता है कि आपको कुछ न्यूज मिले, दोबारा से कोई स्ट्रांग न्यूज मिले। मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त के पहले पहले ही शायद हमें एक हफ्ते के अंदर हमें शायद कुछ कुछ अपडेट्स मिलेंगे, न्यूज की मैं बोलूंगा नहीं बट अपडेट्स शायद हमें मिल सकते हैं, ठीक है।